तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हैं और आप अच्छे से अच्छे कैमरे वाले फोन को यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप कैमरे से कोई भी वीडियो को शूट करते हैं, अगर बाहर में वीडियो को शूट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका जो फेस होता है पूरा येलो शेडो हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप रूम में वीडियो शूट कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका जो फोटो होता है काफी डार्क में चला जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि आप हाई क्वालिटी का मोबाइल तो खरीद लेते हैं, कैमरे उसमें हाई क्वालिटी का देखने को मिल जाता है, पर कैमरे को सही तरीके से अगर यूज नहीं कर पाते हैं तो ना आप अच्छी तरीके से फोटो ले पाते हैं, ना वीडियो को शूट कर पाते हैं। तो कैमरे में काफी सारे ऐसे एडवांस फीचर मिलते हैं, किसको कहां पर यूज करना है ये टोटल चीज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, जिससे आप अच्छी क्वालिटी में फोटो और वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं वीडियो के बारे में। अगर आप आउट एरिया में वीडियो शूट करते हैं या मान लीजिए बाहर में वीडियो शूट कर रहे हैं और धूप निकला हुआ है, और उस दौरान दोस्तों अगर आप वहां पे वीडियो शूट कर रहे हैं और आपका फेस अगर येल्लो हो जाता है, वीडियो की क्वालिटी काफी खराब हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जब भी आप बाहर में वीडियो शूट करते हैं और धूप निकला हुआ रहे, तो आपको जो वीडियो का रिजोल्यूशन होता है वो आपको 1080p या 720p पे क्लिक करना है। होता क्या है कि काफी ज्यादा लाइट होने के चलते होता कि अगर क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ा के रखिएगा तो वहां पे वीडियो सही तरीके से स्टेबल नहीं हो पाता है, जिससे आपका जो फोटो होता है, वीडियो होता है, वो खराब हो जाता है। तो जहां पे लाइट का कंडीशन काफी अच्छा होता है वहां पे रिजोल्यूशन आपको 720p या 1080p पे करना है। इससे आप देखिएगा जो वीडियो की क्वालिटी है काफी अच्छी निकल के आएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप बाहर में वीडियो शूट कर रहे हैं और अगर वहां पे मान लीजिए कि हवा चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो वीडियो होते हैं वो काफी खराब हो जाते हैं। तो वहां पे आपको दोस्तों वीडियो में स्टडी मोड वाला ऑप्शन देखने मिलता है, उस स्टडी मोड वाले ऑप्शन को अगर इनेबल कर दीजिएगा तो जो आपकी वीडियो होती है काफी स्टेबल मिलेगी और रिजोल्यूशन भी आपको वहां पे 1080p या 720p में ऑटोमेटिक वहां पे सेट हो जाता है, जिससे अच्छी क्वालिटी में वीडियो के साथ ऑडियो भी देखने को मिलती है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि रूम में कोई वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो आपको वहां पे क्या करना है, 720p या 1080p को यूज नहीं करना है, वहां पे आपको यूज करना है 4K। होता क्या है कि रूम में जो लाइट की कंडीशन होती है काफी लो होती है, जिससे अगर क्या होता है कि रिजोल्यूशन आप 720p या 1080p पे सेट कीजिएगा तो फोटो काफी फट जाता है, वीडियो काफी फट जाता है। तो वहां पे 4K में अगर शूट कीजिएगा तो पिक्चर की क्वालिटी काफी अच्छी आएगी, इसलिए आपको ये चीज को ध्यान देना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फोटो के बारे में। फोटो में क्या होता है दोस्तों कि जैसे अगर बाहर में आप फोटो क्लिक करते हैं या अंदर में फोटो क्लिक करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जैसे फोटो को क्लिक करते हैं उससे पहले आपको सेटिंग में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि फोटो वाले सेक्शन में जाते हैं तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 1:1 का मिल जाता है, 3:4 का मिलता है, 9:16 का मिलता है, फुल वाला ऑप्शन देखने मिलता है। तो आपको क्लियर देखने के लिए आप क्या करते हैं उसको फुल रिजोल्यूशन में कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी फोटो आप वहां पे शूट करते हैं वो फटना चालू हो जाता है। तो आपको वहां पे क्या करना है कि 3:4 या 1:4 पे अगर कोई भी फोटो को शूट कीजिएगा तो पिक्चर की क्वालिटी अगर आप वहां पे देखिएगा काफी क्लियर होगा, जूम करके देखिएगा तो दोनों में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आप फोटो को शूट करते हैं तो उस समय आपको 3:4 या 1:1 को आपको वहां पे इनेबल करना है, और लाइट की कंडीशन अगर अच्छी होती है तो आप वहां पे फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों फोटो वाले सेक्शन में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे HDR का ऑप्शन देखने मिलता है। HDR का यूज आपको धूप में यूज करना है, जैसे अगर आप बाहर में फोटो शूट कर रहे हैं तो आपको वहां पे HDR को इनेबल कर लेना है। HDR को इनेबल करने से क्या होता है कि जो भी बाहर से अगर लाइट पड़ रहा है आपके फेस पे पड़ रहा है वो अगर स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो HDR यूज कीजिएगा, तो थोड़ा जो आपका लाइट होता है वो डार्क में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि फोटो की क्वालिटी काफी अच्छी आती है। उसी प्रकार दोस्तों आपके मोबाइल में AI का ऑप्शन देखने मिलता है। इस AI का ऑप्शन आपको अंदर रूम में करना है, या कोई भी ग्रीन फोटो आप लेते हैं, किसी भी मान लीजिए प्लांट का फोटो ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है AI को इनेबल कर लेना है और ये आपको इंडोर में यूज करना है। तो जैसे दोस्तों AI को यूज करके आप कोई भी फोटो को क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा पिक्चर की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाती है और काफी आपको HDR में देखने मिलेगा,
अच्छी क्वालिटी में वो फोटो आपको देखने मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से HDR को आपको बाहर में यूज करना है, और AI को अगर आप यूज करते हैं तो वो आप इंटरनल में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको काफी सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें मूव फ्रेम का ऑप्शन देखने मिलता है, मूव फ्रेम को अगर आप यूज कीजिएगा तो इससे भी अच्छी क्वालिटी का आप यहाँ पे फोटो निकाल सकते हैं। आपको ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा जिससे आपको भी फोटो को स्टेबल कर सकते हैं। अगर फोटो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो ग्रिड को यूज करके उस फोटो को सही तरीके से यूज कर पाइएगा। साथ में सुपर माइक्रो वाला ऑप्शन देखने मिलता है। इसमें दोस्तों क्या है कि 3 मीटर के रेंज में आपको यहां पे रखना है, और आप सटा के अगर कोई भी फोटो को लेते हैं, कोई भी प्लांट को लेते हैं, तो आप देखिएगा काफी अच्छी क्वालिटी की फोटो आती है। तो जब भी आप यहां पे माइक्रो को यूज करते हैं, सुपर माइक्रो को यूज करते हैं, तो आपको दूर से उसको फोटो नहीं लेना है। जितने नजदीक से आप वहां पे फोटो को लीजिएगा उतनी अच्छी क्वालिटी के आपको वहां पे फोटो देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको दोस्तों 3 शिफ्ट वाला ऑप्शन देखने मिलता है। ये काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। इस फीचर को यूज कीजिएगा, और अगर आप यहाँ पे रेंज में कम रेंज में अगर किसी का फोटो ले रहे हैं तो आप देखिएगा वहां पे एक आपको ब्लर इफेक्ट देखने मिलेगा और पिक्चर की क्वालिटी काफी इंप्रूव देखने को मिलती है। इसमें 2 ऑप्शन आपको देखने मिल जाते हैं, एक आपको राउंड शेप में मिलेगा और एक स्क्वायर शेप में मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन को आप यहाँ पे यूज कीजिएगा, और यूज करने के दौरान कोई भी फोटो को क्लिक कीजिएगा तो काफी अच्छी फोटो वहां पे निकल के आती है। उसके अलावा दोस्तों प्रो कलर का ऑप्शन देखने मिलता है। प्रो कलर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि शाम का समय है और कोई भी प्लांट का फोटो ले रहे हैं या कोई भी चीज का फोटो ले रहे हैं, तो होता क्या है कि जब शाम हो जाता है उस समय जो भी कलरफुल चीज होता है वो डार्क में देखने को मिल जाता है। तो प्रो कलर को अगर आप वहां पर यूज कीजिएगा तो AI अपने आप इनेबल हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी चीज का फोटो आप वहां पर लीजिएगा तो फोटो काफी कलरफुल निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रो कलर को यूज कर सकते हैं। देन दोस्तों आपको एक फीचर और देखने मिलता है, वो फीचर मिलता है टाइम ब्रश का। अब टाइम ब्रश में दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं। जैसे टाइम ब्रश में जाइएगा तो आपको इंटरवल और नंबर ऑफ फोटो का ऑप्शन वहां पे देखने को मिल जाएगा। जैसे 1 सेकंड में आप कितना फोटो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, 5 सेकंड में कितना क्लिक करवाना चाहते हैं, इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। 5 सेकंड में जैसे दोस्तों आप वहां पे सेट कर दीजिएगा तो 5 सेकंड का टाइम चलेगा और एक फोटो वहां पे क्लिक होगा। तो ये करके आप यहां पे 630 या 50 जितना भी आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर ले, और मोबाइल को कहीं स्टेबल करके रख दे तो ऑटोमेटिक वो फोटो वहां पे क्लिक होना चालू हो जाएगा। उसके बाद उस फोटो को आप वहां पे निकाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको और भी काफी सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नाइट मोड वाला ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों नाइट मोड वाला ऑप्शन वहीं पे वर्क करता है जहां पे क्या होता है कि लाइट काफी कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में अगर आप वहां पे नाइट मोड को यूज कीजिएगा तो आपका क्या होगा कि जो भी फोटो आप वहां पे क्लिक कीजिएगा वहां पे एनालिसिस करेगा, रन करेगा, देन उस फोटो को बेस्ट से बेस्ट निकाल के आपको देगा, और उसके बाद आप वहां पे देखिएगा फोटो की क्वालिटी काफी अच्छी आती है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में जाने के बाद मोर वाले सेक्शन में और भी काफी सारे फीचर मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, उससे आप शूट कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, और दोस्तों जब भी आप यहां पे शॉर्ट वीडियो को यूज करते हैं या शॉर्ट वीडियो को अगर यूज कीजिएगा तो आपको यहां पे रिजोल्यूशन को कभी भी चेंज नहीं करना है, जूम को कभी भी चेंज नहीं करना है। जितना आप वहां पे जूम को चेंज कीजिएगा उतना दोस्तों आपका जो वीडियो की क्वालिटी है काफी खराब होगी। तो आपको 1 पे ही सेट करके कोई भी वीडियो को शूट करना, ये आपको यहां पे ध्यान देना है। साथ में पेनारोमा मोड मिल जाएगा, इससे आप लंबे फोटो ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके मोबाइल में ब्लॉक का अगर फीचर देखने मिल रहा है, ब्लॉक के फीचर को अगर आप वहां पे यूज कीजिएगा तो ब्लॉक में आपको काफी सारे वहां पे कैटेगरी और ग्रुप देखने मिलेंगे। सबसे पहले उस कैटेगरी को डाउनलोड करना होगा, और दोस्तों उसके बाद आपको 10-15 फोटो वहीं पे आपको क्लिक कर लेना होगा, और ये क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो कंप्लीट होगा। और उसके बाद आपको ऑडियो के साथ एक इफेक्ट देखने मिलेगा जिसमें आप अच्छा यहां पे ब्लॉगिंग वीडियो बना सकते हैं, ब्लॉगिंग फोटो आप वहां पे निकाल सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको लॉन्ग एक्सप्रेस वाला ऑप्शन देखने मिलता है, इसको भी दोस्तों आप यहां पे यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है। डुअल वीडियो वाला ऑप्शन देखने मिलता है, अगर आप कहीं पे ब्लॉगिंग बना रहे हैं डुअल वीडियो को अगर आप वहां पे यूज कीजिएगा तो एक आपका भी वीडियो दिखेगा और दूसरा जिसका शूट कर रहे हैं उसका भी वीडियो देखने मिलेगा। तो अगर ब्लॉगिंग के समय ड्यूअल वीडियो अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे ड्यूअल वीडियो को भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको कैमरे में एक फीचर देखने मिलता है एंटी बेंडिंग वाला ऑप्शन। तो एंटी बेंडिंग वाला जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है उसको आपको क्या करना है, 50 हर्ट्ज पे वहां पे सेट कर लेना है या ऑटो पे सेट कर लेना है। साथ में दोस्तों अगर आप वहां पे कोई भी वीडियो को शूट करते हैं तो वीडियो को शूट करने के दौरान जो रिजोल्यूशन होता है, जो भी वीडियो शूट करते हैं
उसको आपको क्या करना है, हाई पे सेट नहीं करना है, आपको वहां पे हाई कॉम्पैटिबिलिटी पे सेट करना है, परफॉर्मेंस पे आपको कभी भी सेट नहीं करना है, जिससे क्या होगा कि वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी निकल के आएगी। तो दोस्तों ये टोटल फीचर आप यहाँ पे यूज कीजिए और वीडियो की क्वालिटी और फोटो की क्वालिटी को काफी बेटर बना सकते हैं।